ऑल्ट न्यूज में हम देख रहे हैं कि पिछले काफी वक्त से सोशल मीडिया पर तरह तरह के सांप्रदायिक दावे शेयर किए जा रहे हैं। हमने इनमें कई दावों की तफ्तीश की और पाया कि ये दावे या तो भ्रामक है या फिर पूरी तरह से गलत। आज के इस वीडियो में ऑल्ट न्यूज आपको ऐसे ही दो दावों की असलियत बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि मेरठ में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। ये लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू। इन दोनों को एक कमरे से पकड़ा गया। सबसे पहले तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। पहचान उजागर न हो इसलिए हमने इसे ब्लर कर दिया है। ऐसे ही दावे के साथ कई लोगों ने ये वीडियो शेयर किया। वीडियो की जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज को मेरठ पुलिस का ये ट्वीट मिला, जिसमें बताया गया है कि ये दोनों ही नाबालिग है और मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वहीं इन दोनों के परिवार वाले भी एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मेरठ पुलिस ने साफ शब्दों में लिखा कि इस घटना में कोई आपराधिक मामला नहीं है। आगे ऑल्ट न्यूज ने नौचंदी के SHO SK सक्सेना से कांटेक्ट किया, जहां का ये मामला है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ किए जा रहे दावे झूठे हैं। इस घटना में कोई आपराधिक या सांप्रदायिक एंगल नहीं है। ये लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग है और साथ में नीट की पढ़ाई कर रहे थे। उनके परिवार वालों ने इसकी पुष्टि की है। क्योंकि लड़का मुस्लिम था इसलिए कुछ लोगों ने इसे गलत समझा और इस तरह की गलत जानकारी शेयर की। पुलिस ने बताया कि उन्होंने वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मेरठ पुलिस ने इन दो ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ IPC की धारा 469 और 505 के तहत FIR दर्ज की है। वहीं द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि इलाके के कुछ लोग और हिंदू जागरण मंच के स्थानीय पदाधिकारी वहां पहुंचे, जहां लड़का और लड़की पढ़ रहे थे और उन दोनों के अलग अलग धर्म से होने की वजह से हंगामा किया। यानी सोशल मीडिया पर ये वीडियो झूठे सांप्रदायिक दावे और लव जिहाद की कहानियों के साथ शेयर किया गया। अब बात करते हैं इस दूसरे वीडियो की। राइट विंग प्रोपेगेंडा चैनल सुदर्शन न्यूज ने ये वीडियो चलाते हुए दावा किया कि दिल्ली के इंद्रपुरी की हिंदू लड़की पहाड़गंज के मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही थी। आपस में अनबन हुई और लड़के ने लड़की की कलाई की नस काट दी। एक और जिहादियों द्वारा दिल्ली के अंदर जिहादी करतूत सामने आया। आपको छोड़ रही है तो। तेरी माँ ने नौ महीने पेट में रखा तेरे को, पुलिस आई, शर्म कर। गलत है बेटा, गलत है। यहाँ से करता है, यहाँ क्या करता है? नहीं, इसका करता हुआ यार, इसने काटा, इसके पीछे में अरे इसका भी तो लगाओ, इनको भी तो लगाओ। ये लो भाई, ये देखो, ये देखो, ये बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, सारे बनाओ फेसबुक पे। देखते ही देखते और भी कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट करना शुरू कर दिया और फेसबुक पर भी ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में हो रही बातचीत को ध्यान से सुनने पर ये बात साफ हो जाती है कि इस लड़की ने खुद अपनी कलाई काटी थी। ये लो भाई, ये देखो, ये देखो, ये बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, सारे बनाओ फेसबुक पे। घटना के बारे में सर्च करने पर हमें जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता का ये ट्वीट मिला। इसमें लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद बताया कि गाजियाबाद की लड़की अपने दोस्त से मिलने दिल्ली आई थी, तभी लड़की के पिता वहां आ गए। उन्हें देखकर लड़की ने खुद को चोट पहुंचाई। न तो कोई अपराध हुआ है और न ही लड़की की फैमिली ने इसकी शिकायत की है। जागरण ने रिपोर्ट में बताया कि लड़की और लड़के की आपस में कहासुनी हो गई थी, इसके बाद उसने खुद को चोट पहुंचाई। बाद में आसपास के लोगों ने लड़के से पूछताछ के दौरान मारपीट की। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि लड़की गाजियाबाद की रहने वाली थी और घर वालों से किसी बात से नाराज होकर वो अपने एक मुस्लिम दोस्त से मिलने पहाड़गंज चली गई। लड़की के परिवार को इस बात की जानकारी देने के कारण लड़का और लड़की के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद लड़की ने खुद को चोटिल कर लिया।
ऑल्ट न्यूज ने एक पुलिस अधिकारी से भी बात की। उन्होंने नाम जारी न करने की शर्त पर बताया कि इस मामले में कोई अपराध नहीं किया गया था, इसलिए कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। लड़की ने खुद को चोट पहुंचाई थी, यानी इस घटना में भी कोई क्रिमिनल एंगल नहीं है। लेकिन फिर भी सुदर्शन न्यूज ने बिना कोई छानबीन किए या पुलिस से बात किए इस घटना को जिहाद बताते हुए चलाया।